नहीं हॉबी हार्ड नहीं है। हाँ इतना है कि बिना आइडिया के कोई स्टार्ट कर देता है और कोई फास्ट में जाता है तो उससे इश्यू आ जाते हैं। हे वेलकम टू फिशन अंसार यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप लोग गाइस। हमारे साथ है विवेक सर जो हमें आज मरीन फिश के बारे में बताएंगे, मरीन टैंक कैसे सेटअप करना है। जो इनकी बिगेनर है, जो फ्रेश वाटर में नया आया है हॉबीस्ट, तो कैसे वो बिल्डअप कर सकता है इस हॉबी को वो आपको बताएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टैंक के बारे में बताइए, आप कितना टैंक होना चाहिए। नॉर्मली क्यूब छोटे से छोटा टैंक 2 फीट बाय 2 फीट का क्यूब होना चाहिए जो बैक सम में बना जाता है, और लगभग 8 mm की ग्लास लेना पड़ता है, और उसमें आप मोस्टली 2 to 4 फीस मैक्सिमम रख सकते हो। और उसमें जैसे स्कीमर पम्प, रिटर्न पम्प होता है, वे मेकर और लाइट, सैंड और रॉक्स, वो चीज़ ऐड करना पड़ता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो मरीन टैंक। ना ऑल्सो जो ये सैंड होता है वो कंपलसरी होता है, आप नहीं रखोगे तो चलेगा। हाँ सैंड नहीं रखोगे तो भी चलेगा, पर रॉक्स तो रखना पड़ेगा। एनीमोन भी कंपलसरी नहीं रहेगा। एनीमोन भी कंपलसरी नहीं रहे। ओके मुझे एक और बात पूछना, जो हम लोग पानी यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, तो जरूरी कि आरओ वाटर होना चाहिए, नॉर्मल वाटर भी चल सकता है। हाँ नॉर्मल वाटर भी चलता है, पर आरओ वाटर जितना यूज करोगे उतना इश्यू आपको कम आता है, इससे कैसे एल्गे इश्यू आपका बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल वाटर में कैसे फॉस्फेट लेवल हाई होता है, नाइट्रेट होता है, तो उसके कारण आपको कैसे एल्गे इश्यू काफी आते हैं। आप आरओ डीआई यूज करोगे तो उससे तो आपका ये चीजें का प्रॉब्लम कम होगा। ओके जैसे फ्रेश वाटर में साइकिल करना पड़ता है टैंक सेटअप करने से पहले, तो यहाँ पे कितना पीरियड होता है साइकिल का? हाँ मिनिमम 15 डेज का तो साइकिल देना पड़ता है। हाँ उसके बाद ही आप फिश ऐड करो तो अच्छा रहता है। ओके एंड उसमें हमको सॉल्ट वाटर ऐड करके फिर हमको सॉल्ट वाटर ऐड करके उसको बना के डालना रहेगा। ओके एंड सर्टेन सा मेजरमेंट है सॉल्ट वाटर का? हाँ उसका ये आता है, पड़ता है। हाँ रिफ्लेक्टोमीटर आता है, उससे आप चेक कर सकते हो। नॉर्मली फिश ओनली सेटअप रहता है तो आप 1.18 की सैलिनिटी से लेके 1.22 तक रख सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। ये फिशेस की सैलिनिटी होती है। ओके तो ये तो बात हो गई हमारे सेटअप की, कैसे करना है सेटअप। एंड हम लोग फिश ऐड करते हैं तो उसमें एक्लिमेशन प्रोसेस होता है। हाँ तो वो सेम है या थोड़ा अलग होता है सर इसमें? नहीं एक्लिमेशन प्रोसेस सेम होता है, ड्रिपिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि आप कोई बकेट में फिशेस रखो, ऑक्सीजन पाइप से उसमें ड्रिप बाय ड्रिप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है वो वाटर डालो, जब तक वो वाटर डबल ना हो जाए तब तक आप वो मिस फिशेस को मत छोड़ो। इससे क्या हो जाता है आपका सैलिनिटी पीएच ये सब एक्लिमेशन में आपके टैंक से मैच कर जाता है। okay. इससे वो स्ट्रेस में नहीं जाती है फिशेस। ओके एंड दूसरी बात हो गई कि फीडिंग कितना टाइम होता है इसमें? हाँ फीडिंग वंस इन अ डे भी दे सकते हो और ट्वाइस इन अ डे भी दे सकते हो, पर मिनिमम फीडिंग देना रहता है। ऑल्सो एक फैक्टर आता है लाइटिंग, तो लाइटिंग कौन सा स्पेसिफिक रिक्वायर्ड होता है सर? हाँ लाइटिंग का ऐसा है कि जैसे आप ओनली फिश रखते हो तो आप फ्रेश वाटर की भी लाइट यूज कर सकते हो, जैसे आपको एनिमल्स रखने रीफ टैंक करना है तो उसके लिए प्रॉपर आपको मरीन लाइट ही यूज करनी होती, फ्रेश वाटर की लाइट पे वो नहीं हो पाता है। जैसे कुछ लोग जो स्क्वायर सेटअप रखते हैं, क्यूब सेटअप रखते हैं, उसमें पीछे वो लोग सम्प रखते हैं। हाँ बैक सम्प रखते हैं। हाँ बैक सम्प रखते हैं, तो उसमें वो लोग लाइक अपना जो आपका वेव मेकर होता है वो रख नहीं पाते हैं, और जो आपका प्रोटीन स्कीमर होता है वो नहीं रख पाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है सर यहाँ? हाँ नहीं वो तो इम्पोर्टेंट है, उसमें इम्पोर्टेंट नैनो टैंक के लिए भी नैनो वेव मेकर आते हैं, या तक हैंग ऑन स्कीमर्स भी आते हैं, तो सब चीज प्रोवाइड वो सब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। ओके और तो मुझे पूछना था कि इसमें वाटर चेंज कितना फ्रीक्वेंसी होता है? अब जैसे आपका नैनो टैंक है तो एटलीस्ट 15 डेज में आपको वाटर चेंज होता है, पर इसमें आपको 50% या 80% नहीं करना था, 10-20% मैक्स वाटर चेंज करना होता है इसमें। ओके और जैसे बड़े टैंक है तो एक मंथ में एक बार आप चेंज कर सकते हो। ओके एंड जैसे फ्रेश वाटर में हम लोग कुछ लाइक मेडिसिन डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, जैसे कि
डीक्लोरिनेशन आप डालते हैं, इसमें कुछ रिक्वायर होता है सर? नहीं, इसमें डीक्लोरिनेट का तो नहीं रिक्वायर होता है। हाँ, बाई चांस आपके इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन आ गया या कोई व्हाइट स्पॉट इन्फेक्शन आ गया तो उसके लिए मेडिसिन होते हैं, वो मेडिसिन आपको यूज करना पड़ता है। एंड जैसे बताया जाता है कि हम लोग वाटर चेंज करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट फ्रेश वाटर डाल नहीं सकते हैं, उसे स्ट्रेच करना पड़ता है। हाँ, तो उसका क्या प्रोसेस सर? जैसे आप वाटर लेके उसमें सॉल्ट मिक्स करके उसको उसकी सैलरिटी मैच करके सेम जो आपके टैंक की सैलरिटी है वो न्यू वाटर की करना पड़ता है, रखना पड़ता है। हाँ, वो 1 to 2 hours में हो जाता है, हो जाता उसको है। मिक्स करके आप चेंज कर सकते हो, बाद में आप ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओके, हाँ, जैसे मरीन में आपको साइकिल पीरियड के बाद एकदम आपको फिशेस नहीं डालनी रहती, ये स्लो करना रहता है प्रोसेस, जिसे आप वीकली में 1 to 2 फिशेस ही ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मरीन आज आपका टैंक साइकिल हो गया, आप कल जाके लेके आ गए 4-6 फिशेस डाल दिए, तो इसमें कैसे होता है आपका नाइट्रेट और अमोनिया शूटअप होता है जिसके कारण फिशेस मर जाती है। तो उसके लिए कैसे होता है, पहले आप एक सिंगल डाल के स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप कुछ टाइम रुके, उसके बाद मंथली पे या 2 week के बेसिस पे एक एक फीसिस ऐड कीजिए, जिससे क्या होता है आपका बायोलॉजिकल प्रॉपर ये रहता है, जिससे आपका नाइट्रोजन ये अमोनिया हाइक नहीं होगा। ओके, यानी कि इनके कोई प्लान कर रहा है 4 fishes के लिए, डायरेक्ट वो 4 fish नहीं डालेगा? 4 fishes नहीं डाल सकते, आप पहला 1 to 2 डालो। हाँ, उसके बाद आप ऐड करो। एंड क्वारंटाइन भी इम्पोर्टेंट होता है राइट सर? हाँ, मोस्टली तो कैसे क्वारंटाइन होके आता है, बाई चांस आपके टैंक में व्हाइट स्पॉट हो, न्यू टैंक में कोई इश्यू नहीं आता है, ओल्ड टैंक में कभी कभी आ जाता है, जैसे वेदर चेंज हो जाता है, कुछ अलग ही स्ट्रेस आ जाता है, टेम्परेचर का इश्यू आ जाता है, उसके कारण हो जाता है कभी कभी। ओके, ऑल्सो एक और क्वेश्चन होता है लोगों को ज़्यादातर कि जो फ्रेश सॉल्ट वाटर है इसमें हीटर रिक्वायर्ड होता है सर? हाँ नहीं, फ्रेश ये सॉल्ट वाटर में हीटर रिक्वायर्ड नहीं होता है, उल्टा इसमें वाटर टेम्परेचर चिल्ड चाहिए रहता है, जैसे 27 मिनिमम चाहिए रहता है। ओके, इससे नीचे आता है तो फिशेस को थोड़ा इश्यू स्टार्ट होता है। अच्छा, तो समर में सर ऐसा कोई स्पेसिफिक रेमेडी होता है इसे आप इसके लिए? चिलर अवेलेबल होते हैं, आप चिलर लगा सकते हो, आपका टेम्परेचर बिलो 28, 29, 30 जा रहा है, 31 जा रहा है कहीं कहीं, उसके लिए चिलर लगाना कूल करता है वो कूल करता है वाटर को। जैसे कि आप नैनो टैंक बनाते हो तो इसमें कैसे होता है, आप जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करता है, बड़े थोड़ा कॉस्टली जाता है, पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि आप एक आध प्रोडक्ट जैसे स्कीमर वे मेकर या आपको 4 to 5 years इजीली चल जाता है। हाँ, पर इसमें आप जैसे लोकल प्रोडक्ट यूज करते हो, लोकल स्कीमर, पर उसमें कैसे होता है प्रोटीन प्रॉपर निकल नहीं पाता है, उसमें काफ़ी इश्यू आता है जिसके वजह से आपके फिशेज डाई होते हैं। तो ये होता है कुछ ब्रांड्स के, अच्छे ब्रांड्स के आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपका टैंक हेल्दी और मैच्योर रहेगा, प्रॉपर रहेगा, जिससे आपके फिशेस को भी कोई इश्यू नहीं आएगा। यानी कि वन टाइम इन्वेस्ट करना है बट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो आप अभी पैसा सोचोगे तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम देना है। हाँ सर, जैसे फ्रेश वाटर में कंपैटिबल फिशेस का इशू होता है, कोई एग्रेसिव होता है, कोई नॉन एग्रेसिव होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा कोई सिस्टम है सर? हाँ, यहाँ पे भी वैसा होता है, कुछ फिशेज एग्रेसिव होती है, कुछ नॉन एग्रेसिव होती है, वो आपको देख के डालना रहता है, साथ में हम लोग ऐड नहीं कर सकते, साथ में एक साथ नहीं ऐड कर सकते हो। ओके, तो आई गेस हमने सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए राइट सर, जो नॉर्मल हॉबीज को जानना चाहिए। ओके, तो थैंक्स फॉर आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी, हमारे क्वेश्चंस को आपने क्लियर किया। एंड मुझे पूछना चाहूँगा कि सर आपको जी आपके हिसाब से आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या ये हॉबी बहुत ज़्यादा हार्ड है ऐसा लोग बोलते हैं? नहीं नहीं, हॉबी हार्ड नहीं है। हाँ, इतना है कि बिना आइडिया के कोई स्टार्ट कर देता है और कोई फास्ट में जाता है तो उससे इश्यू आ जाते हैं। ओके, यानी कि पेशेंस है की है यहाँ पर। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, एंड कॉस्टली भी है बट आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, बस आपको अच्छा इनकेस अच्छा लगा इस वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव आपको लगा इस वीडियो को, तो लाइक बनता है। ओके, ऐसे वीडियो के लिए हम आगे भी ऐसे बहुत सारे मरीन के सेटअप्स कवर करने वाले हैं, कॉन्टेंट आएगा मरीन का, तो स्टे ट्यून्ड फिशर अंसारी फॉर मोर सच वीडियोस। गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रुकिए स्टे ट्यून्ड फिशर अंसारी। चलिए गाइस, गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, एंड थैंक्स अ लॉट सर, आपने बहुत काफ़ी हमें हेल्प किया। ओके।